नमस्ते साथियों, आज मैं पहुंची हूं मिर्जापुर जनपद के जमालपुर ब्लॉक के छातू गांव में, जहां पर 57 मुसहर परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं और यहां पर इन्हें इंदिरा गांधी आवास योजना, महामाया आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिले 3 साल भी नहीं हुआ, तब से 3 माह पहले वन विभाग द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया है। जमीन व आवास खाली कराने के साथ ही साथ 72,000 का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है, जबकि ये परिवार जंगलों से लकड़ी काट कर, पत्तल तोड़ कर, मार्केट से बेच कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिससे ये परिवार काफी चिंतित व दुखी है। आइए साथियों, आप सभी को इनसे ही इनकी जुबानी सुनाते हैं। बहन जी के हम लोग का रहे के तो यहाँ 3 पुश्त से हैं, या बाल बच्चा से जियावत खिया और लकड़ी पत्ता पतरी दोना से असे जियत खात रह गई। जा हम लोग के न खेत बा न गृहस्थी बा, जात के मुसहर ही जा। और करे बाद कोई व्यक्ति से सरकार के निगाह चहूँ पर हम लोग के झोपड़ी मड़ई देख के आवास बना दहलन। सेक्रेटरी, बीडीओ, डीएम, विधायक अलन तो हम लोग का घर द्वार बनल। आ हम लोग के मनले के बाद यहाँ उद्घाटन कैला, पूरा गांव भी खैलस। समस्या मैंने कही है, 3 पुश्त यहाँ रह ली जाए। 3 पुश्त में लकड़ी, गोईठा, गिट्टी, पत्थर, सिर्फ बाल बच्चा जियलस। हम लोग के इंदिरा आवास बनल तब बहुत दिक्कत ना है, बहन का आवास बनल तब बहुत दिक्कत ना है, अब मोदी सरकार का आवास बनल तब दिक्कत होवे लगल। हम लोग के भगावे लगलन तो हमने भाग के जाए जी कहाँ, ये हमने के पास समस्या बात दीदी। अब हमने बाल बच्चा जियावल जी कि मुकदमा लड़ल जी। सरकार के आवास देहलन तो गिरावे बदे, गिरावे के दिले हुआ कि गरीबन के रहे बदे दिले हुआ, तो हम लोग कहाँ भाग के जाए जी। ये हमने का समस्या बा कि रोज कमाए के रोज खाए के, जब भगाई दी हन तो ककरे आवास दिलन हमने के। यह कुल हम लोग पर समस्या है सरकार। अब वन विभाग कह रहा हुआ कि भाई जगह खाली कर दो, तो बाबू हमने कहाँ जाके रहल जाए। कितना लगा है? 72,000 जुर्माना हम लोग पर ठोका गया है, 72,000। बाबू जात का हम लोग बनवासी हैं मुसहर, तो कहाँ से दे सकल जी सरकार अपन परिवार जी आवल जाए, या हम लोग जुर्माना देवल जाए। मेरा संगठन है खदान मजदूर यूनियन और यहाँ 20 गांव में हम काम करते हैं। पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का इंदिरा आवास बना, महामाया आवास बना, तो कोई नोटिस नहीं आई। और पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री आवास आया, तो वन विभाग द्वारा इन लोगों को नोटिस दी गई कि इस जगह को खाली करो। ये बात संगठन के माध्यम से लोगों से जानने को हमें मिला कि बहन जी ऐसा बात हो, हम लोग का करें जी। हम लोगों का घर बनल तो हम लोग बड़ी खुश भेली कि कम से कम मड़ई झोपड़ी के जगह हम लोगों के घर मिलल। अब हम लोग कहीं से आवन जी तो अपने घरे में रहन जी। तो नोटिस जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि ये तो सरकार दी है इन लोगों को घर गिराने के लिए और जंगल की जगह खाली करने के लिए। तो समझ में आया कि ये जात के मुसहर हैं, आदिवासी हैं, ये कहीं भी जंगल में रह सकते हैं, ये इनका अधिकार है। और इन लोग अब कहाँ जाएंगे? हम इन लोगों के साथ बैठक किए और बात किए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं, अगर हम इस जंगल को छोड़ करके जाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे और क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? हमारा तो जंगल में रह रहे हैं, जंगल की सूखी लकड़ी काट रहे हैं और यही मार्केट में बेच रहे हैं, और वही बेच करके जो पैसा मिलता है उससे सामान खरीद करके अपने बच्चों का कला भरण पोषण करते हैं। बहन जी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर इन लोगों को लेकर के हम जिले पर गए और डीएम से तो नहीं मुलाकात हो पाया, लेकिन हम लोग वहाँ बातचीत किए तो पता लगा कि इन लोगों को ऊपर 72,000 की नोटिस आई है और इन लोग वो जुर्माना भरेंगे तभी इन लोग बरी होंगे। फिर हम लोगों ने इन लोगों के साथ बैठक किया और पूछा कि बताइए इस तरह का आपका मामला है, आप क्या करेंगे? तो सभी ने बताया कि बहन जी, हम लोग
पैसा कहाँ से पाएंगी। जो पैसा हम कमाते हैं अपने परिवार को सही ढंग से भोजन नहीं करा पाते हैं, तो फिर हम लोग सरकार को इतना पैसा कहाँ से देंगे। क्यों हम लोगों को सरकार छत दी? सरकार को छत देना ही नहीं चाहिए। जब गिराना ही था तो हमें सरकार को छत देना ही नहीं चाहिए। जब छत दिया तो हम लोग तो काफ़ी खुशी हुए, लेकिन ये कागज़ दिया तो हम लोगों को काफ़ी दुखी था कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे। तो सरकार हम लोगों को चाहती ही नहीं है कि हम लोग कहीं लोगों के बराबर में रहें। हम ये चाहते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री आवास इन लोगों का बना है और इन लोग यहीं रहें, इन लोगों को गिराया न जाए। अगर कहीं इन लोगों को सरकार दे भी देती है जगह, तो इन लोगों को दोबारा आवास मुहैया नहीं होगा, तो फिर ये लोग ज्यों ही रहें अपने झोपड़पट्टी में वैसे ही रह जाएंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया न जाए और इनकी आवाज़ ज्यों ही त्यों रहे, इनकी ज़मीन जो है इन लोगों के नाम से पट्टा किया जाए। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन्हें इसी ज़मीन पर आवासीय पट्टा दिया जाए, जिससे ये इसी आवास में अपना सुखमय जीवन जी सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये समुदाय अपने आवास में अपना जीवन जी सके। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।